नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हवा का रुख बदल चुका है, हमारी लड़ाई अराजक तत्वों से है। कांग्रेस की नीति समाज तोड़ने की है, बोले महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली में सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया। संजय राउत ने कहा, 23 नवंबर के बाद कोई महायुति नहीं होगी, हम सरकार बना रहे। मोदी बोले, आदिवासियों ने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। जमुई में PM के सामने नीतीश ने कहा, गलती हो गई थी, अब नहीं कहीं जाऊंगा। दिल्ली में हवा बेहद जहरीली, 5वीं तक स्कूल बंद। हरियाणा, UP और राजस्थान की बसों पर रोक, अमेरिकी सैटेलाइट से भी दिखा प्रदूषण। महाराष्ट्र चुनाव के लिए MNS का घोषणा पत्र जारी। नागपुर में कन्हैया कुमार बोले, धर्म सब मिलकर बचाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम धर्म बचाएं और डिप्टी CM की पत्नी इंस्टाग्राम रील्स बनाए। बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ केस की कोर्ट करेगा जांच। शिया समुदाय के इमामबाड़े में जबरन एंट्री और अभद्रता का आरोप, परिवादी को सबूत पेश करने के लिए कहा। इंदौर की नाबालिग को गुजरात के जामनगर में बेचा, परिचित दंपत्ति घुमाने के बहाने ले गए, खरीदने वाले ने कई बार किया रेप, 7 पर FIR। PM मोदी ने कहा, आजादी के बाद आदिवासियों के योगदान को मिटाने की कोशिश की गई। गुजरात में पोरबंदर के समंदर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 500 किलो ड्रग्स जब्त। कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष को हनी ट्रैप कर HIV संक्रमित करने का था प्लान, BJP विधायक संघ साजिश रचने वाला पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी होने पर AIMIM चीफ ओवैसी ने कसा तंज। श्रीलंका संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन की जीत, 141 सीटों पर जीत हासिल की, 61% वोट मिले, बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए थी। लखनऊ में लगा कृषि नवाचार महाकुंभ, किसानों वैज्ञानिकों और उद्यमियों का संगम, CM बोले खेती की लागत कम करना लक्ष्य। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी के भतीजे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया, इस बार प्रेसिडेंट इलेक्शन भी लड़ा, वैक्सीन के विरोध ही रहे। दलित महारों के सामने टिक ना सकी पेशवा की सेना, कोरेगांव हिंसा के बाद दलित वोट बटे, BJP नेता बोले पुराना जख्म मत कुरेदो। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी आफताब को लॉरेंस गैंग से खतरा, अलर्ट पर तिहाड़ जेल प्रशासन। UP लोक सेवा आयोग ने किया PCS एग्जाम की तारीख का ऐलान, 22 दिसंबर को होगी परीक्षा। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।